हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल सरल गणित। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देती है। अब आगे क्या है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। सब्ट्रैक्ट करने पर 5/2 को जो आंसर आता है उसको वो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देती है। फिर द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब जो आंसर आया उसका फाइनली, वो आंसर किसके इक्वल आता है, उसी नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल जो उसने सोचा था। ये चीज क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है। तो हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था। तो हम सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं लेट द नंबर बी x। हमने माना कि वो नंबर क्या है, x है। अमीना ने x के बारे में सोचा था। अब हम इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में ये नंबर क्या था। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अमीना ने क्या किया, सबसे पहले इस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन गया, x माइनस 5/2। फिर सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आया उसको 8 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया हमने ब्रैकेट को। अब ये जो फाइनल आंसर आएगा वो किसकी इक्वल आएगा, उसी नंबर के 3 टाइम्स की इक्वल जो उसने सोचा था। हमने क्या माना कि अमीना ने x के बारे में सोचा था। अब ये x का 3 टाइम्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x, और ये क्या बन जाएगा, 3x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप देखो x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कंबाइंड एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का कंबाइंड एलसीएम क्या होता है, 2। नाउ 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, एंड 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, 2 इनटू x इज 2x। क्लियर, बीच में साइन माइनस एज इट इज। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 एंड 1 इनटू 5 इज 5। तो ये हमारा क्या बना, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। और अब ये पूरा ब्रैकेट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ। अब अगर ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर 2 जो है इस 8 को कैंसिल कर रहा है 2 के टेबल में। क्लियर, तो कैसे करेंगे, 2 वन्स आर 2 एंड 2 फोर्स आर 8। तो ये क्या बन गया हमारा, 2x माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3x। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि विद इन द ब्रैकेट जितने भी नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करेगा। किस तरह से, 4 इंटू 2x कितना बन गया, 8x, बीच में साइन माइनस एज इट इज। फिर 4 इंटू 5 कितना बन गया, 20, और ये किसके इक्वल है, 3x की। अब हम क्या करेंगे, माइनस 20 को दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस 20, और इस 3x को यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो 3x के आगे कोई साइन नहीं है, हमने क्या माना, प्लस, और ये प्लस 3x यहाँ के क्या बन गया, माइनस 3x। अब 8x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 5x। क्या बनाइए, 5x इक्वल्स टू 20। 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 5, और जब आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। क्लियर, x हमारा आ गया 4। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये x क्या था, ये x वो नंबर था जिसके बारे में अमीना ने सोचा था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नंबर जिसको हमने x माना था कितना आ गया, 4। क्लियर है, अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे, therefore the number is 4। मतलब अमीना ने नंबर 4 के बारे में सोचा था। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो अपने दूसरे नंबर के 5 टाइम्स के बराबर है। क्लियर, अब आगे क्या लिखा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर हम दोनों नंबर्स के अंदर 21 को एड कर दी तो क्या होगा, वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो उसमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर का ट्वाइस यानी कि दोगुना हो जाएगा। क्लियर है, दोगुना कब होगा, 21 ऐड करने के बाद। फिर आगे आपसे पूछता है व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स क्या है आपको ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें नहीं पता वो दो नंबर क्या है, तो हम मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव नंबर था वो दूसरे नंबर का क्या है, 5 टाइम्स। तो अगर अदर नंबर को हम x मानते हैं तो पॉजिटिव नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5x। नाउ क्वेश्चन में कहा था इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स में 21 हम ऐड करें, मतलब
पहला वाला नंबर x उसमें ऐड किया 21 तो ये क्या बन गया x प्लस 21। फिर पॉजिटिव नंबर 5x, 5x में 21 ऐड किया तो क्या बन गया 5x प्लस 21। फिर क्वेश्चन के अंदर आगे क्या लिखा था कि इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। अब कौन सा नंबर किसका ट्वाइस होगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा वाला नंबर ही तो छोटे वाले का ट्वाइस हो सकता है ना। ट्वाइस का मतलब दो गुना हो सकता है, क्लियर है। तो अगर मैं x प्लस 21 और 5x प्लस 21 को देखूं तो 5x प्लस 21 तो बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा नंबर जो है अपने इस छोटे नंबर के ट्वाइस के बराबर होगा, है ना। तभी हमने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 21 किसके इक्वल है, 5x प्लस 21 के। यहाँ तक समझ आया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा तो ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, किस तरह से 2 इंटू एक्स बन गया 2x, बीच में साइन प्लस, फिर 2 इंटू 21 बन गया 42 और ये किसके इक्वल है, 5x प्लस 21 की। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और कॉन्स्टेंट नंबर्स को एक तरफ। तो 42 यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा, अभी प्लस 21 इधर आके क्या बन गया माइनस 21 और ये 5x यही रह गया और ये 2x जो है वो दूसरी साइड आके क्या बन गया माइनस 2x। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 42 में से 21 गया कितना बचा 21 और यहाँ 5x में से 2x गया कितना बचा 3x। अभी 3 यहाँ x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड आके क्या करेगा डिवाइड, तो 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हम इन दोनों नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अदर नंबर को हमने x माना था, यानी कि वो अदर नंबर x क्या है 7। अब पॉजिटिव नंबर क्या है, अदर नंबर का 5 टाइम्स है ना 5x। x की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 5 इंटू 7 कितना आ गया 35, क्लियर है। तो इसका मतलब वो अदर नंबर 7 है और पॉजिटिव नंबर क्या है 35। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर 7 एंड 35। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है प्रैक्टिस, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। एक टू डिजिट नंबर है जिसमें दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। अच्छा भी टू डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, टू डिजिट नंबर्स यानी कि जिसमें दो डिजिट्स होती है। सबसे छोटा टू डिजिट नंबर क्या है 10। 10 के अंदर दो डिजिट्स है ना 1 और 0, है ना। उसके बाद 11, 12, 13 और सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर क्या होता है 99, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो डिजिट है, दैट इज 9 और 9। 99 के बाद 100 स्टार्ट होता है, 100 के अंदर 3 डिजिट्स आ रही हैं इसलिए उसको 3 डिजिट नंबर बोलते हैं। तो समझ आया टू डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। एक टू डिजिट नंबर ऐसा है जिसमें दोनों डिजिट्स का सम क्या है 9। अब देखो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। ये नंबर जो है 54 भी हो सकता है क्योंकि 54 में 5 प्लस 4 क्या होता है 9 होता है। ये नंबर 45 भी हो सकता है क्योंकि 4 प्लस 5 भी क्या होता है 9 होता है, है ना। और ये नंबर जो है 72 भी हो सकता है क्योंकि 7 प्लस 2 क्या होता है 9 होता है। तो हमें नहीं पता ये किस टू डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है, बस हमें सिर्फ इतना पता है कि एक टू डिजिट नंबर ऐसा है जिसमें दोनों डिजिट्स का जो सम है वो क्या है 9। आगे पढ़ते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। और अगर हम उस टू डिजिट नंबर्स की डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने का मतलब होता है मान लो अगर आपका नंबर 27 है तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 27 क्या बन जाएगा 72। मतलब हम डिजिट्स का जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा है इंटरचेंज करने के बाद हमें पता चला कि जो नया नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है कितना 27। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन। आगे आपसे पूछता है व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, वो टू डिजिट नंबर क्या है हमें ये बताना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा, एक टू डिजिट नंबर का पैटर्न क्या होता है। देखो एक टू डिजिट नंबर अगर मैं 23 की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं। टू डिजिट नंबर का जो पैटर्न होता है वो होता है डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस। मतलब यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, दैट इज 2 एंड 3। 3 जो है वो वंस प्लेस पर आ रहा है और जो 2 है वो हमारा किस पर आ रहा है टेंस प्लेस पर। तो जब भी आप कोई टू डिजिट नंबर को एक्सपैंड करते हैं
तो जो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या बनती है, यहाँ पे हम वो डिजिट लिखते हैं जो टेंस प्लेस पर आएगा, प्लस यहाँ पर हम वो डिजिट लिखेंगे जो वंस प्लेस पर आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 23 बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 टेंस प्लेस पर आ रहा है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 वंस प्लेस पर आ रहा है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 10 कितना बन गया 20, और 3 इंटू 1 कितना बन गया 3, तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23। तो ये होता है एक किसी भी 2 डिजिट नंबर का लिखने का फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा था कि दोनों डिजिट्स का सम क्या है 9। अब हमें नहीं पता वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है और टेंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स। हमने माना कि जो वंस प्लेस वाले डिजिट है वो क्या है, एक्स। अगर वंस प्लेस वाले डिजिट एक्स है तो टेंस प्लेस वाले डिजिट क्या होगी, 9 - x। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों डिजिट्स का सम क्या है 9, और अगर एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट निकालने के लिए आप 9 में से x को माइनस कर दो तो आपको दूसरी डिजिट मिल जाएगी। क्लियर है? तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 9 - x। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने डिजिट्स तो फाइंड कर ली, अब ये ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, तो सिंपल सी बात है, डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस, यानी कि आपको यहाँ वो डिजिट लिखनी है जो टेंस प्लेस पर आएगी, और यहाँ पर आपको वो डिजिट लिखनी है जो वंस प्लेस पर आएगी। हमने ऊपर क्या लिखा था कि टेंस प्लेस पर क्या आएगा 9 - x, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 9 - x, और वंस प्लेस पर क्या आएगा x, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, किस तरह से, 10 × 9 = 90, बीच में साइन माइनस, 10 × x = 10x, बीच में साइन यहाँ प्लस एज इट इज, x × 1 = x। नाउ 90 एज इट इज, यहाँ इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 10x में से x का आंसर इज 9x, क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए जो साइन है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो जो हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर बना वो क्या बना, 90 - 9x। अब आगे स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। सो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक नया नंबर बनेगा, लेकिन जो वो नया नंबर है वो रहेगा तो 2 डिजिट नंबर ना, जिसका लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे वो डिजिट आएगी जो 10 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे वो डिजिट आएगी जो 1 से मल्टीप्लाई होगी। और इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जो डिजिट्स का प्लेस है उसको चेंज कर देना, मतलब पहले यहाँ पे क्या था, टेंस प्लेस पर क्या आ रहा था 9 - x, अब ये जो 9 - x है वो टेंस प्लेस से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर वंस प्लेस पर, और ये जो वंस प्लेस पर x आ रहा था अब ये किधर आ जाएगा, टेंस प्लेस पर आ जाएगा। क्लियर? सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, x × 10 क्या बन जाएगा, 10x, बीच में साइन प्लस, 1 जो है 9 - x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये एज इट इज आ जाएगा 9 - x, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर सेम वही नंबर आता है। क्लियर? अब ये 10x में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा 9x, और ये प्लस 9 एज इट इज, तो ये क्या बन गया 9x + 9। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया था कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स जो नया नंबर है वो ग्रेटर होगा ओरिजिनल नंबर से बाय 27। तो हमने वही लिखा, न्यू नंबर किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल नंबर प्लस 27 के, है ना। न्यू नंबर क्या था 9x + 9, उसको हमने यहाँ लिखा, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 90 - 9x, उसको हमने यहाँ लिखा, एंड उसमें क्या कर दिया प्लस 27। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, 9x + 9 यहाँ एज इट इज आया, 90 में आप 27 ऐड करेंगे कितना आएगा 117, माइनस 9x एज इट इज। अब हम x वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और नंबर्स को दूसरी साइड, तो ये माइनस 9x इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 9x, और ये प्लस 9 दूसरी साइड आकर क्या बन जाएगा माइनस 9। तो ये 9x + 9x क्या बन गया 18x, एंड 117 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया क्या बन गया 108। अब ये 18 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके 108 को क्या करेगा डिवाइड, तो जब हम 108 को 18 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 6। x कितना आ गया 6। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम ओरिजिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर ऊपर हमने क्या लिखा था 90 - 9x, तो 90 - 9x में हम क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे, 90 - 9
x यानी कि 6, तो 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, 90 में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया क्या बचा 36, तो इसका मतलब वो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर हमारा क्या है 36, जिसमें इन दोनों डिजिट्स का सम क्या है 9, 3 प्लस 6 क्या होता है 9, क्लियर है क्वेश्चन। हमने वो टू डिजिट नंबर फाइंड कर लिया, अब हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज 36। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा One of the two digits of a two-digit number is three times the other digit. एक two-digit number है जिसके अंदर जो digits है उसमें एक digit दूसरे digit का क्या है three times है। फिर आगे लिखा है If you interchange the digits of this two-digit number, अगर आप उन digits को interchange करते हो बाद में, इंटरचेंज मतलब उनका प्लेस चेंज कर देना, तो आपको क्या मिलता है एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर आता है उस न्यू नंबर को जब आप ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं तो यू गेट 88, आपका आंसर क्या मिलेगा आपको 88। अब आपको बताना है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमें नहीं पता कि वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है और टेंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, तो हम मानते हैं लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स, अगर वंस प्लेस की डिजिट एक्स है तो टेंस प्लेस की क्या हो जाएगी 3x, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। फिर आगे हम पढ़ते हैं ओरिजिनल टू डिजिट नंबर हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस। टेंस प्लेस पर क्या हमने माना 3x, यहाँ लिखा, वंस प्लेस पर हमने क्या माना x, उसको यहाँ लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x into 10 बन गया 30x, x into 1 क्या बन गया x, तो ये कितना आ गया 31x। आगे बढ़ते हैं, सो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक न्यू नंबर बनेगा, लेकिन फॉर्म तो वही रहेगा ना, डिजिट एट वंस प्लेस प्लस डिजिट एट टेंस प्लेस, है ना, तो हम क्या करेंगे अब इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे जो 3x पहले टेंस प्लेस पर आ रहा था अब वो वंस प्लेस पर आएगा, और यहाँ पर जो x है वो पहले वंस प्लेस पर आ रहा था और अब कहाँ आएगा टेंस प्लेस पर, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू x इज 10x प्लस 3x इंटू 1 इज 3x, तो ये क्या बन गया 10x प्लस 3x 13x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या करना है, इस न्यू नंबर के अंदर ओरिजिनल नंबर को ऐड करना है, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, फिर हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 88 के। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है 31x और न्यू नंबर हमारा क्या है 13x, किसके इक्वल 88। अब 31x प्लस 13x कितना होता है 44x, किसके इक्वल है 88। 44 यहाँ x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड आके क्या करेगा डिवाइड, 88 डिवाइडेड बाय 44 कितना होता है 2, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को फाइंड कर ली, अब हम अपना ओरिजिनल टू डिजिट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओरिजिनल टू डिजिट नंबर हमने क्या माना था 31x, x हमारा कितना है 2, तो 31 into 2 कितना आया 62, इसका मतलब वो जो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर है वो क्या है 62। तो अब हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज 62, क्लियर है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज। शोभो के मदर की जो प्रेजेंट एज है वो उनके बेटे की एज से 6 टाइम्स के बराबर है, ये चीज क्लियर है। आगे लिखा शोभोस एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। आज से 5 साल बाद शोभो की जो एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के इक्वल होगी, क्लियर। अब आपको बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, आपको ये चीज फाइंड करना है, क्लियर। तो अब हमें नहीं पता दोनों की एज क्या है, हम एज्यूम करते हैं लेट द शोभोस प्रेजेंट एज बी एक्स, हमने क्या माना शोभो की प्रेजेंट एज एक्स है। अगर शोभो की प्रेजेंट एज एक्स है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, उसकी एज का 6 टाइम, है ना, तो हम क्या लिख देंगे शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज है 6x इयर्स, क्लियर है। आगे अब उसने बात की थी शोभो की एज आफ्टर 5 ईयर, तो शोभो की प्रेजेंट एज अभी क्या है एक्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स वो 5 साल और बड़ा हो जाएगा तो उसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स, है ना। हमने क्या लिखा शोभोस एज आफ्टर 5 ईयर्स इज इक्वल्स टू x प्लस 5 ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता चला कि आज से 5 साल बाद शोभो की जो एज होगी क्या एज होगी शोभो की
5 साल बाद x प्लस 5 वो किसकी इक्वल होगी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 की इक्वल। 1/3 ऑफ किसका, मदर की प्रेजेंट एज, और मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 6x। अब ये जो 6 और 3 है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं किस तरह से, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो ये क्या बन गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, 2x में से x गया, कितना बचा x, और x किसकी इक्वल आ गया 5। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हम दोनों की प्रेजेंटेज फाइंड कर सकते हैं। शोभो की प्रेजेंटेज हमने क्या मानी थी, x ईयर्स, तो शोभोस प्रेजेंटेज जिसको x माना था क्या आ गया 5 ईयर्स। शोभो की मदर की एज हमने क्या मानी थी 6x, तो 6 × 5 क्या हो गया 6 5s are 30 ईयर्स। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, हमने एज फाइंड कर लिया, शोभो की एज 5, मदर की एज 30 ईयर्स। अब हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, therefore शोभोस प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महौली विलेज। एक महौली विलेज के अंदर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो किसके लिए रिजर्व किया गया है, स्कूल के लिए। आगे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। जो प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेथ किस रेशियो में है, 11:4। अब हमने क्या करना है, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आना है रेशियो को एक्स एज्यूम कर देना है, लेट द रेशियो बी एक्स। तो x अगर हम एज्यूम कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द प्लॉट हो जाएगी 11x मीटर और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट हो जाएगी 4x मीटर। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ ₹100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब विलेज पंचायत ने उस प्लॉट के चारों तरफ फेंसिंग करवाई। फेंसिंग आपको पता ही है कहाँ पर होती है, पेरीमीटर पर होती है, ठीक है। तो विलेज पंचायत ने जब उसको फेंस करवाया चारों तरफ से, तो उनको ₹100 per meter के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 75,000। फिर अब आगे आपको बोला गया है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, आपको बताने हैं प्लॉट के डायमेंशंस क्या है, मतलब लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। क्लियर है क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। लेंथ और ब्रेथ को हमने पहले ही एज्यूम कर लिया, 11x मीटर एंड 4x मीटर। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें कितना दे रखा है, 75,000। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालते हैं, सिंपल सी चीज है, फेंसिंग होती है पेरीमीटर पर, तो पेरीमीटर निकालने के बाद अगर हम उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आती है ना। तो हमने वही लिखा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फेंसिंग इंटू पेरीमीटर, और ये किसकी इक्वल आएगा 75,000। रेट ऑफ फेंसिंग हमें कितना दे रखा है 100, और पेरीमीटर तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, किसकी इक्वल है 75,000 की। सो गाइस 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके 75,000 को क्या करेगा, डिवाइड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे पेरीमीटर के अंदर 2 × लेंथ हमारा कितना है 11x हमने पुट किया, ब्रेथ हमारा कितना है 4x, वो हमने यहाँ पुट कर लिया। तो अब इन सबको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ एज इट इज, 11x + 4x कितना आ गया 15x, और यहाँ हमने 75,000 को जब 100 से डिवाइड किया तो लास्ट की 2 जीरोस कैंसिल हो गई और कितना बना ये 750। नाउ 2 × 15 is 30x, और ये किसकी इक्वल है 750 के, तो ये क्या बना x इज इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 30। लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल हो गई, और अब ये 75 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, x इज इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हम लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ द प्लॉट हमने क्या माना था 11x, लेंथ ऑफ द प्लॉट हमने क्या माना था 11x, 11x, x कितना है 25, तो 11 × 25 कितना हो गया 275 मीटर। ब्रेथ ऑफ द प्लॉट हमने क्या माना था 4x, तो 4 × 25 कितना हो गया 100 मीटर। सो गाइस हमने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लिया, लेंथ आ गई 275 मीटर और ब्रेथ आ गई 100 मीटर। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। अब हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर 275 मीटर एंड 100 मीटर रिस्पेक्टिवली। सो गाइस आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सॉल्व किया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इस नंबर पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन बाय बाय।